शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शवनी उठो, 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 हाँ उठो, शाबाश बेटा, शवनी, उठो, उठो, शवनी, शवनी, शवनी बेटा, बेटा, ये ना, इस पे साइन करना है, तुमको, साइन कर दो, ले लो। शिवांश, अब शिवांश आता ही होगा बेटा, ये पर अभी कल ना तुमको चोट लगने से ना तुम्हारे बच्चे को खतरा हो गया है। बच्चा? हाँ, 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 बच्चा, बच्चे को बचाना है ना बेटा, तो अभी अभी कल किसी का इंतजार नहीं कर सकते। लो इस पे साइन करो। लेकिन आपने तो इन्हें बताया ही नहीं कि ये साइन अबॉर्शन के लिए। वो हम समझा रहे थे बस उसको, ऐसे थोड़ी होता है बहन जी, पेशेंट को या फिर उनके पति को पूरे होशो हवास में ये फॉर्म साइन करना होता है, और अभी तो ये पूरी तरीके से बेहोश हैं। आप ये फॉर्म फाड़ दीजिए, इस फॉर्म का कोई फायदा नहीं। छोड़िए, चुप छोड़िए, धीरे 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 धीरे। कायला, इस वक्त इस कमरे में तुम्हारे हमारे अलावा ये तीसरी जन है जो है बेहोश, और चौथा कोई नहीं है। अब तुमने हमारे लिए अपनी रास्ता नहीं छोड़ा है, या तो हम तुम्हारा अभी यहाँ गला काट दें, या तो फिर पूरे साल कि पूरी पकार एक साथ उनको दे दे, है ना? एक साल की तनख्वाह? हाँ, एक साल की तनख्वाह एक साथ। इसे हटा लीजिए। अब जैसे बोली मैं वैसे कर लूंगी। हाँ, हमको सच में लगा था कि तुम बहुत समझदार, तो अब डॉक्टर को कहोगी कि तुम्हारी आंखों के सामने इसने साइन किए हैं पूरे होशो हवास में, और अगर मुंह खोला ना तो तुम सोच लेना हम क्या कर सकते हैं। और अब जल्दी से इसको कोई दवाई दो, क्योंकि आज रात का इसको बिल्कुल कुछ याद नहीं रहना चाहिए। इसे हटाइए। हम देते हैं इंजेक्शन, लाते हैं। हाँ, देते हैं, जो 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 दवाई दो। लगा दिया इंजेक्शन, अब इसे होश नहीं आएगा। होश नहीं आएगा, नहीं, याद भी नहीं रहना चाहिए। याद भी नहीं रहेगा। जल्दी 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 जा रही हूँ। डॉक्टर को याद है ना? हाँ, सुसाए ऑपरेशन की तैयारी करो। हाँ हाँ, जा रही। श्रवणी बेटिया, अब क्या होगा? तुम्हारा बच्चा तो गया। तुमने हमको हमारे बच्चों से दूर किया ना, अब तुमको पता चलेगा।
बड़की ठकुराइन, बड़की ठकुराइन कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ कहीं नहीं, वो हमने आपकी दुल्हन को डॉक्टर से बात करते हुए सुना था, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, वो नर्स ने बताया ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या? श्रवणी का ऑपरेशन होगा? कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा ही ऑपरेशन है। आप लोग इतना परेशान मत होइए, एक काम करिए आप लोग घर चले जाइए। हाँ आराम कीजिए, वक्त लगेगा, जैसे ही हमको पता चलेगा ऑपरेशन खत्म हो गया हम आपको फोन करेंगे, आप आ जाइए। नहीं नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग आराम से बैठ जाइए। हम यही रुकते, ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तभी जाएंगे। हे भगवान हमारे बच्चे की रक्षा करना। शिवांश, शिवांश का है? पट्टी मैंने बांध दी है, आधे घंटे में आराम मिल जाएगा। श्रवणी दीदी आपको ढूंढ रही है, उनका फिर से चक्कर आ गया। हमारा फोन बंद कैसे हुआ? हाँ बेटा ये तो हमारा ही फोन है, आपको कहाँ मिला? अरे कहाँ गई? घर से इतने सारे मिस कॉल्स, माँ का मैसेज। शिपू कहाँ हो बेटा? शिपू बेटा श्रवणी गिर गई थी, हम उसे सिटी अस्पताल लेके आए हैं। श्रवणी टकराए, हम शिवांश को रोकने का बहुत कोशिश किए लेकिन इससे ज्यादा रोक नहीं पाए। अरे रखो, किसका फोन है? बैंक वाले फोन करते रहते। शिवांश के आने से पहले सब हो जाए, बस पता नहीं शिबू कहाँ रह गया, ना फोन उठा रहा है, पता नहीं उसने हमारा मैसेज भी देखा है कि नहीं। समय शिबू यहाँ है नहीं और श्रवणी की हालत इतनी बुरी है, हम समझ नहीं आ रहा अम्मा हम क्या करें। दिखाई नहीं देता का? देता है ना, सब दिखाई देता है। अब रास्ते में क्यों खड़े हो? अब रास्ते से हटो। डरिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भटक गई हो का? जो अपने माँ बाप के पास, यहाँ का ही मंडरा रही हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, जाओ। कहाँ है हम? डॉक्टर ये क्या कर रहे हैं आप? हम कहाँ पे हैं? आराम से, पैनिक मत होइए, बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। बेहोशी?
बेहोशी का इंजेक्शन क्यों? क्यों मतलब? आपका ऑपरेशन होने वाला है। डॉक्टर, ऑपरेशन? ऑपरेशन क्यों हो रहा है हमारा? किस चीज का हो रहा है? अरे आपने अपनी मर्जी से तो कंसेंट फॉर्म साइन किया है। कंसेंट फॉर्म? कौन सा कंसेंट फॉर्म? अबॉर्शन के लिए। नहीं हमें कोई अबॉर्शन नहीं कराना है। ये रोके। ये क्या बोल रही है मैम? ये बेहोशी की वजह से थोड़ा घबरा रही है। ऐसा होता है ना, इन्होंने कंसेंट फॉर्म साइन किया है, हमारे सामने साइन किया है। हमने कोई साइन नहीं किया। अरे हमें नहीं कराना। हटिए, इन्हें फॉर्म दिखाइए। फॉर्म लेके आओ। हमें नहीं कराना मैम। अरे ये देखिए, आपने खुद साइन किया है। मैं कोई साइन नहीं किया डॉक्टर। ये इनकी फैमिली बाहर है ना, बुलाओ उन्हें, फिर ही ऑपरेशन करेंगे। मैम किसको बुलाएं? वो उन्होंने बताया था ना कि इनके ससुराल वाले सनकी हैं, और ना ही इनके पति को बुला सकते हैं और ना ही इनके सास को। शिवांश, आप शिवांश को बुलाइए। शिवांश आप आराम कीजिए, आराम से लेटिए, आप लेटिए, आप लेटिए, आराम से। देवी माँ, ये क्या हो रहा है? मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। शामनी, माँ, माँ शामनी कहाँ? शामनी गिर गई थी। गिर गई? उसे चोट आई, वो बेहोश हो गई थी। माँ ऐसे कैसे चोट लग गई? हमने तुम्हें कॉल किया था, तुमने फोन नहीं उठाया, फिर हमने मैसेज भी छोड़ा। डॉक्टर से ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं। ऑपरेशन? अरे क्या हुआ उसे? पता नहीं। शरमनी, हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, छोड़िए। नहीं, शुभान, शुभान। भैया आपको शर्मी दीदी बुला रही है। आप यहाँ कैसे? आप तो वहाँ पे थे। पहले जाइए, वो बुला रहे हैं। अरे कहाँ गए? कहाँ गए? शबनी, 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 खोलो, अरे दरवाजा खोलो, शबनी, शबनी। डॉक्टर, कौन दरवाजा पीट रहा है? वार्ड बॉय को देखने बोलो, कौन है? शमी, कौन है? शमी, वार्ड बॉय ये अंदर कैसे आया? शिबू, शिबू, आइए हमारी, शमी, शिबू, हाँ हमें रुकिए, हमें बात करनी है। शिबू चलो, अम्मा अम्मा रुकिए, हमें बात करनी है। हम यहाँ लड़ने नहीं आए, बेबी है हमारी, वो आप लोग 2 मिनट रुकिए। शमी, डॉक्टर साहब हमारी बेबी है, वो माँ बनने वाली है। जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये बच्चा नहीं चाहती। और समझदारी इसी में है कि आप इस वक्त इसका साथ दें, और अगर ये तैयार नहीं है तो आप इसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? यही कि ये अबॉर्ट करना चाहती है। या आगे पढ़ना चाहती है, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। अबॉर्ट? ये किसने कहा आपसे? ये अबॉर्ट कराना चाहती है।
ये देखिए, उन्होंने अपने हाथों से इसमें साइन किया है, देख लीजिए। ध्यान से देख लीजिए, पेशेंट के ही साइन है इस पे। ये सच नहीं है, हम नहीं मानते। डॉक्टर साहब, आपने बच्चा गिरा दिया। अरे बताइए ना। अभी नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, अभी रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। हमें बस एक बार शर्मनी से पूछ लेने दीजिए, एक बार वो अपने मुंह से कह दे। शर्मनी, व्हाट बॉय? अरे हमें एक बार उसने बात करने दीजिए। देखो तमाशा मत करो, ये इसका कानूनन हक है। अगर तुमने गुंडे दिखाई ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अरे आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? शर्मनी उठो, शर्मनी। व्हाट बॉय, ले जाओ इस आदमी को, और अगर ये ज्यादा हाथ पांव मारे ना तो पुलिस बुला लेना। बहुत बड़ी हमारा विश्वास कीजिए। अरे हम कुछ बनाना चाहते हैं, इसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। देखिए हमारी बात समझिए, एक बार बस श्रवणी अपने मुंह से कह दे कि आप जो कह रही है वो सच है, हम कसम खाकर कहते हैं हम आपको ऑपरेशन करने से नहीं रोकेंगे। तो कह तो दिया है, खुद फॉर्म पे साइन किया है नर्स के सामने। अस्पताल में इतना काफी है, अब जाइए और हमें ऑपरेशन करने दीजिए। अरे हम नहीं मानते आपकी बात, हम बात करेंगे अपनी बीवी से। अरे छोड़िए। आप सब लोग बाहर जाइए। शिवू चलो शिवू। शिवानी बताओ इनको जो ये कह रहे हैं सच नहीं है। शिवानी छोड़ो, मैं बाहर चलो। शिवानी बताओ इनको ये सच नहीं है। शिवांश को हमने हमेशा तुमसे ज्यादा चाहा, और देखो वो एक एक कदम तुमसे दूर और हमारे पास आ रहा है। आज के बाद वो तुम पर कभी भरोसा ही नहीं कर पाएगा। शिवू, ये क्या किया तूने? इसकी क्या जरूरत थी? क्या कर रहा है बेटा? अस्पताल है ये। शिवू, आई शिवू, शिवू। बीपी और हार्ट रेट अचानक से फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती। मैं इसे आईसीयू में शिफ्ट कर दो। जानते हैं कि ये बच्चा नहीं चाहती, ये अबॉर्ट करना चाहती है। ये देखिए, उन्होंने अपने हाथों से इसमें साइन किया है।
शिबू, शिबू क्या? क्या हुआ शिबू? अम्मा, हम सबसे लड़ते रहे उसके लिए, हमने कभी जबरदस्ती नहीं की उसके साथ मां बनने के लिए, पर उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमसे पूछा तक नहीं उसने। देख शिबू, जब तक हम शबनी के मुंह से खुद नहीं सुन लेते, हम किसी नर्स या किसी डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे। माँ, अब क्या रह गया पूछने के लिए? माँ, उसने अंदर हमारा बच्चा। हम एक बात कह सकते हैं? नहीं, हम बस इतना कह रहे हैं कि जब से वो लड़का है, खाना में उसका था रोहन। मम्मी, हाँ रोहन, उस पर जब से आना जाना शुरू हुआ है ना, तब से घर का माहौल ही खराब हो गया है। आप हमारे घर के मामले में ना ही बोले ना तो अच्छा है। सच कड़वाई होता है शिबू। बड़की ठकुराइन ठीक कह रही है। कोई ठीक नहीं कह रही, फालतू की बेतुकी बातें कर रही है। बेतुकी बातें नहीं कर रहे हैं हमने। उस दिन खुद श्रवणी को देखा था किसी से बात करते हुए। जिस दिन आप श्रवणी के लिए लड़े थे अम्मा जी से, उस रात को जब सब लोग सो गए थे, तब वो फोन लेके बाहर गई थी और उसने बात की थी। विदाई हो रही है। किसकी विदाई? आपकी विदाई इस घर से, क्योंकि हम आपको तलाक दे रहे हैं। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।